हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियर्स इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 1% का तेजी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, लेकिन लास्ट 1 मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक 10% से ज़्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इससे पहले भी हम लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया था, याद होगा 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट आया था तभी हम लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया था। उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन जो है ब्रेकआउट लेवल से 30% ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक जो है 122 के लेवल पे क्लोज हुआ है, 121 रुपीज़ 75 पैसे। अब अगर इस लेवल को हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जो है 125 के लेवल पे स्टॉक के पास एक अच्छा रेसिस्टेंस है। स्टॉक 2019 और 20 इस दो ईयर में इस स्टॉक इस लेवल के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया था, बट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। वापस से जो है स्टॉक आपको 3 ईयर्स के बाद सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो यहाँ पे फ्लो में हम लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट तभी सस्टेन करेगा अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तभी सस्टेन करेगा अगर इस लेवल पे आपको होल्ड करता है स्टॉक, यहाँ पे एक रेंज बनाए, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद ऊपर की साइड जाए, या फिर जो है स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले 110-100 के लेवल पे और उसके बाद अगर वापस से इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी हम लोग इस स्टॉक में वापस से फ्रेश बाई के लिए देखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे फ्लो में ब्रेकआउट कर जाता है तो आपको वेट करना है, रिट्रेसमेंट जरूर लेगा स्टॉक, रिट्रेसमेंट के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि काफ़ी नीचे से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है स्टॉक, 75 के लेवल से कंटिन्यूस मोमेंटम कर रहा है और करंटली आपको 122 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो मोर देन यहाँ पे आपको 50% का एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है। वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का, उसके बाद एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर अगर फ्लो में ब्रेकआउट कर जाता है तो उसके बाद आप वेट कर सकते हैं पुल बैक का, रीटेस्ट का, और उसके बाद जो है आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अगर अभी आप लोगों के पास ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।